हेलो दोस्तों, वेलकम टू अकाउंटिंग सीखो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे वाउचर्स के बारे में कि वाउचर्स क्या होते हैं या अकाउंटिंग में क्यों इतने इम्पॉर्टेंट होते हैं। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि ये वाउचर कितने टाइप्स के होते हैं। तो अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एक बार पूरी ज़रूर देखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और जानते हैं कि वाउचर्स क्या होते हैं। A voucher is an accounting document and prepared for the purpose of recording transaction. It is in chronological order and are serially numbered and kept in a separate file. All recording in books of account is done on the basis of vouchers. इसका मतलब यह है कि voucher एक accounting document होता है जो किसी transactions को record करने के उद्देश्य से बनाया जाता है। ये वाउचर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होते हैं, मींस डेट, सीरियल नंबर और भी ज़रूरत की चीज़ें उस पर लिखी हुई होती हैं। इन्हें अलग अलग फाइल बनाकर रखा जाता है। साथ ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जितनी भी रिकॉर्डिंग की जाती है वह इन्हीं वाउचर्स के बेसिस पर ही की जाती है। इस तरह हम कह सकते हैं कि सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पर सबसे पहले जो एंट्री होती है वह वाउचर में की जाती है, या ये भी कह सकते हैं कि वाउचर बनाए जाते हैं। अब ये सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है इसके बारे में अगर आप नहीं जानते हैं या जानना चाहते हैं तो आप इससे पहले की वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने इन्हीं सोर्स डॉक्यूमेंट्स की मीनिंग, डिफिनीशन और इसके टाइप्स के बारे में बताया हूँ। तो जब सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पर वाउचर बना दिए जाते हैं तो इसके बाद इन वाउचर्स के बेसिस पर जर्नल एंट्री की जाती है। ये जो वाउचर होते हैं ये सभी फर्म या बिजनेस के नाम से सेपरेट या अलग अलग प्रिंटेड होते हैं, और ये जो वाउचर बनाए जाते हैं या उस फर्म या कंपनी के अकाउंटेंट के द्वारा बनाए जाते हैं और उस पर उस फर्म के ऑथराइज्ड पर्सन की सिग्नेचर होती है। इस वाउचर पर सीरियल नंबर तो होता ही है और इस पर डेट भी लिखी जाती है, साथ में वह सोर्स डॉक्यूमेंट जो होता है वह भी अटैच किया जाता है ताकि ऑडिटिंग के दौरान एक ऑडिटर उसे ईजिली चेक कर सके। इस तरह यह वाउचर उस फर्म के लिए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होते हैं। तो आइए अब आगे हम जानते हैं टाइप्स ऑफ वाउचर्स के बारे में कि वाउचर कितने टाइप्स के होते हैं। तो ये सिंपली दो टाइप्स के होते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि इन्हें दो कैटेगरीज में बांटा गया है। इसमें पहला होता है कैश वाउचर्स और दूसरा नॉन कैश वाउचर्स और ट्रांसफर वाउचर्स। कैश वाउचर्स में कैश के सारे ट्रांजेक्शन्स आते हैं, जो भी कैश में पेमेंट करते हैं और जो भी कैश रिसीव्ड होता है। इसलिए कैश वाउचर्स को अगेन दो टाइप्स में बांट दिया जाता है, डेबिट वाउचर्स और क्रेडिट वाउचर्स। ये डेबिट वाउचर्स कैश पेमेंट के लिए होते हैं और ये क्रेडिट वाउचर्स ये कैश रिसीव्ड के लिए। तो इस तरह जिसमें कैश पेमेंट के ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व होते हैं डेबिट वाउचर्स बनाते हैं। जैसे एक्सपेंसेस का पेमेंट करना, इसमें जैसे सैलरी पे करना, रेंट पे करना, कैश में गुड्स परचेज करना, तो इन सभी के लिए डेबिट वाउचर बनाते हैं। तो अब इस डेबिट वाउचर का फॉर्मेट कैसा होता है, इसमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन होती है, इसके कंटेंट्स क्या होते हैं? तो इसमें जैसे वाउचर कब प्रिपेयर किया जा रहा है इसकी डेट होती है, वाउचर का सीरियल नंबर होता है, जिस अकाउंट को डेबिट करना है उसका नाम लिखा होता है, नरेशन होती है मतलब कि उसे शॉर्ट में एक्सप्लेन किया जाता है, जिसमें नेसेसरी डिटेल्स होती हैं, ट्रांजैक्शन कितने का किया गया है उसकी नेट अमाउंट, उसके सोर्स डॉक्यूमेंट का नंबर जैसे कैश मेमो एट्सेट्रा, ये सारी इन्फॉर्मेशन डेबिट वाउचर्स में होती है। अब इसी तरह जितनी भी कैश रिसीप्ट होती हैं उसके लिए क्रेडिट वाउचर बनाते हैं, जैसे कोई भी इनकम हुई है या कोई इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, यानी कैश में गुड्स को सेल करने से जो इनकम हुई है, डेटर्स हैं जिनको पहले गुड्स सेल किए थे उनसे पैसा रिसीव हुआ है, तो इस तरह जिस भी तरह से कैश रिसीव होता है वह क्रेडिट वाउचर बनता है। इसमें भी सेम वही कंटेंट्स होते हैं जो डेबिट वाउचर्स के होते हैं, जैसे वाउचर प्रिपेयर करने की डेट, सीरियल नंबर, अमाउंट, नरेशन, सोर्स डॉक्यूमेंट्स नंबर, यह सारी इन्फॉर्मेशन होती है। तो दोस्तों आइए अब जानते हैं नॉन कैश वाउचर्स या ट्रांसफ़र वाउचर्स के बारे में। अब जैसा कि आप जान चुके हैं कैश पेमेंट के लिए डेबिट वाउचर्स और कैश रिसीप्ट के लिए क्रेडिट वाउचर्स बनाते हैं।
अब नॉन कैश ट्रांजैक्शंस के लिए नॉन कैश वाउचर्स बनाए जाते हैं, जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर हो जाता है, नॉन कैश वाउचर, जिसमें कैश इन्वॉल्व नहीं होता है। इसमें जैसे क्रेडिट या उधार में किसी गुड्स को परचेज या सेल करने पर, या फिर क्रेडिट में किसी असेट्स को परचेज या सेल करने पर, इस तरह के जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो नॉन कैश वाउचर्स में रिकॉर्ड किए जाते हैं। इसमें भी लगभग वही सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो वाउचर्स के लिए ज़रूरी होती है। सीरियल नंबर, कौन सा अकाउंट डेबिट किया गया है, कौन सा क्रेडिट, उसका नाम, नरेशन, एक्सप्लेनेशन, नेट अमाउंट, यह सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वाउचर्स के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लें, ताकि आगे की आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें। थैंक यू।